और आज है जी इज्तमा का तीसरा दिन और कल इंशाल्लाह दुआ हो जानी है। और यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो रात के क्या टाइम है, 11 बजने वाले हैं और रश आप देख सकते हैं हर तरफ इस तरह रश है। टैंकी नंबर 2 के पास हम खड़े हैं। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। हर घर पे लेके गए नूर ही। तो एक हमारा वो नाम है जो हमारे माँ बाप ने रखा है, और एक हमारा इज्तिमाई नाम है, सबका एक नाम है। यहाँ इज्तिमा में कौन जमा है? ये हमारा इज्तिमाई नाम है। दायत ताइफ में गए लेके अपने जीने की दावत, उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल की कैफियत। उम्मत मेरी उम्मत उम्मत के इसी फिक्र में जलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। एक हुक्म पे असहाब मका छोड़ के निकले, बागात जहाँ थे वो वहाँ छोड़ के निकले। निकले तो पीछे सारा जहाँ छोड़ के निकले, हत्ता के वापसी का घुमा छोड़ के निकले। तू भी तो तकाजों पे निकलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में। सुन्नत के दीवानों को आफियत की खबर दो, तौहीद के दाई को रफाकत की खबर दो, दावत की जमात को मगफिरत की खबर दो, इस काम के शौकीन को जन्नत की खबर दो। आ चल के तू भी धूल में धुलने। ये है जी कंटीन पिशावर, इज्तमाई कंटीन आप देख सकते हैं। और आज है जी इज्तमा का तीसरा दिन और कल इंशाल्लाह दुआ हो जानी है। और यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो रात के क्या टाइम है, 11 बजने वाले हैं और रश आप देख सकते हैं हर तरफ इस तरह रश है। टैंकी नंबर 2 के पास हम खड़े हैं। का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। तौहीद के शाहीन तेरा काम गश्त है, मैदान अमल के लिए पैगाम गश्त है। महदूद नहीं तेरा सरे आम गश्त है, आराम
पहचान नहीं तुझको, सुबह शाम गश्त है पर तोल फिजाओं से बहलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, चल 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 चल, दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, जमजम की तरह का है हिजरत का अमल है, ईमान की लज्जत का फजीलत का अमल है, अल्लाह से लेने का मगफिरत का अमल है, अमल बनाने का हिदायत का अमल है, इस रास्ते में खुद को बदलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते निकलने का मजा देख, चल 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 चल, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। ये जी आप देख सकते हैं कि काफलों की शक्ल में पिंडाल से निकला जा रहा है दुआ के बाद, क्या आप मनाजिर देख सकते हैं, कोई यहाँ से जा रहे हैं, ये देखें आप, एक काफला यहाँ से निकला है जुमात, अब सारे जो हैं वो समाई दुआ के बाद अपने घर की तरफ रवाना आए। काफ़ी लंबी तादाद में जो है वो पीछे से आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आप देख सकते हैं, आपको एक बोतल ये ऊपर निशानी से नज़र आ रही होगी, इनके जमात के अमीर ने एक डंडे पे ये शॉपर सा लगाया हुआ है, और इस तरह निशानी तक ये अपने जमात वालों को बताया कि ये निशानी है और इसके पीछे पीछे आ जाए, कोई बंदा आगे पीछे हो या मिक्स ना हो। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, ईमान के माहौल में ईमान देखना, लज्जत में कैसे झूमती है जान देखना, मोमिन की यही शान है ये शान देखना, वो गश्त लगाता हुआ सुल्तान देख, अल्लाह की बात के लिए मिलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, चल 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 चल, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, चल। जी तो जैसा कि आपने ये पीछे वीडियो में देखा कि आप ये रायविंड में सालाना तबलीगी इज्तमा जो होता है वो कैसे होता है, और माशाल्लाह काफ़ी बहुत ही बड़ी तादाद में जो था वो लाखों की तादाद में मजमा था, और पहले जो था वो इज्तमा होता था हर साल में एक दफ़ा, अब ये मतलब दो साल बाद हमारा इज्तमा आएगा, मतलब कि अब अगर 2021 में मारा हुआ ना सियालकोट का, अब सियालकोट का दो साल बाद 2023 में होगा इज्तमा को जो है
है वो चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, और इसका जो मेन मकसद है इस्तेमा का वो है जी बयान होते हैं, बयानात होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से बुज़ुर्ग आते हैं, उलमा आते हैं, मतलब इंडिया, बांग्लादेश और हमारे पाकिस्तान के भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जो है वो बयान करते हैं, और पूरी दुनिया से जो है वो लोग इनको काफ़ी बड़ी तादाद में सुनने के लिए आते हैं। बयान के जो है वो मैं मुकम्मल वीडियो नहीं बना सका, उसकी वजह यह है कि वो 1.5 से 2 घंटे का एक बयान होता है हर नमाज के बाद, फजर के बाद भी होता है, जोर के बाद भी होता है, असर के बाद और मगरिब के बाद भी एक बयान होता है 1.5 से 2 घंटे का, तो उसकी मैं पूरी वीडियो नहीं बना सका, वो पूरी तवज्जो से और यकसुई के साथ बयान सुनना पड़ता है। अगर आपने वो बयान आज सुनने हैं तो YouTube पे आप वो उलामा का नाम सर्च करें जिन्होंने बयान किया इज्तिमा ड्राइविंग तबलीगी इज्तिमा 2021 लिख के, तो उनका इंशाल्लाह इज्तिमा का जो है वो बयान आपके सामने आ जाएगा। और इस वीडियो का जो मैंने पहला पार्ट है वो जी मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपने उसको देखना है तो आप इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ जाके इस वीडियो का पहला पार्ट दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।